गाइज हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो यूट्यूब का जर्नी है, मतलब यूट्यूब स्टार्टिंग से लेकर मेरा जो पेमेंट रिसीव करने का, तो मेरा जो पहला पेमेंट है वो मुझे कितना मिला है, मेरे इस मोनिटाइजेशन प्रोसेस में या पेमेंट रिसीव करने में मुझे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कितने दिन लगे मोनिटाइज होने में, और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, सब कुछ मैं इन डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली अगर आपका चैनल है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने जब मेरा YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना, तो 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, लगभग अक्टूबर मंथ में। और जब मुझे गूगल एडसेंस का पिन रिसीव हुआ था तो भी मुझे अक्टूबर मंथ में ही रिसीव हुआ था 2020 में। सो ये जो लंबा प्रोसेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि मुझे इनकम करना है, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब से एडसेंस मतलब गूगल से आपको पेमेंट मिलता है, ये सब मुझे नॉलेज नहीं था। कितना थ्रेशोल्ड है, आपको कितना थ्रेशोल्ड पूरा करना है, बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मुझे बस ऐसा लगा था कि मैं हर रोज वीडियोस क्रिएट करती जाऊंगी, तो मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था ये प्रोसेस, कैमरा के सामने बोलना, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्ट करते थे। मैं अभी भी आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो मुझे ये इंटरैक्शन, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैं हर रोज़ वीडियोस अपलोड करती थी। फिर मेरी एक दीदी की शादी थी, जिस टाइम मैं वहाँ पर गई तो मेरा ना थोड़ा सा गैप हो गया वीडियोज़ अपलोड करने में, तो मैं इनकंसिस्टेंट हो गई। दैट्स वाई ना मेरे वीडियोज़ उस टाइम थोड़ा सा, मतलब मेरा चैनल थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि जब आप इनकंसिस्टेंट होते हैं उसके बाद आपका अगर आप वीडियोस डालते हो तो थोड़ा सा आपका जो वीडियो है ना वो सर्च इंजन में उतना अच्छा से नहीं जाता है। ये यूट्यूब का ही एल्गोरिथम है, आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ता है। और जो बेस्ट पार्ट है कि मेरे कोई भी रिलेटिव वगैरह, फ्रेंड्स, कुछ किसी को भी पता नहीं था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, बिकॉज आई एम अ रियली गुड स्टूडेंट और मैं टॉपर थी, और मुझे ऐसा फील होता था कि टीचर्स सब क्या सोचेंगे कि ये पढ़ाई छोड़कर ऐसा मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोज करती हैं। तो आई वॉज रियली स्केयर्ड ऑल्सो, और मुझे कुछ डर भी लगता था। और उसके बाद से फिर जब मेरा थर्ड ईयर का एग्जाम हो गया तब मैंने फेसबुक पर शेयर किया कि हाँ, दिस इज माई चैनल और आप लोग मेरे चैनल को देख सकते हैं, तो ऐसे करके मैंने शेयर किया, वो भी एक साल बाद, मतलब 2019 में मैंने शेयर किया था। जब मैंने अपना चैनल शेयर किया अपनी फेसबुक आईडी पर, उस टाइम मेरा काफी अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गया था। मैं वीडियोस क्रिएट करती गई, कुछ वीडियो मेरे वायरल हो गए। फिर 2020 में जब लॉकडाउन हुआ ना, तो मैं घर आई, उस टाइम मैंने बैक टू बैक काफी सारे वीडियोस अपलोड किए, और 2020 से मुझे कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लगे, मुझे काफी सारे ब्रांड्स के मेल रिसीव होने स्टार्ट हो गए। सो 17th मई को मुझे गूगल की तरफ से एक मेल रिसीव हुआ कि अप्लाई फॉर मोनिटाइजेशन, कि मेरा जो थ्रेशोल्ड है जैसे 1000 सब्सक्राइबर एंड जो 4000 वॉच आवर्स, तो ये मेरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया था। तो गूगल की तरफ से मुझे 15th को रिसीव हुआ एक मेल, और 19th को जब मैंने अप्लाई किया मोनिटाइजेशन के लिए, तब मुझे 19th को रिसीव हुआ कि यू आर अप्रूव्ड फॉर YouTube पार्टनर्स प्रोग्राम, एंड आई वॉज सो हैप्पी। वो मेल रिसीव करके इतना खुशी हुआ ना मुझे कि क्या बताओ। सो वो मुझे 19th ऑफ मई को रिसीव हुआ था, तो लगभग आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15th से 19th, अभी कोविड का सिचुएशन था उस टाइम तो थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, पर जनरली आपको 1 वीक के अंदर ही आपको अप्रूवल मिल जाता है कि आप अप्रूव्ड है या फिर आपका जो मोनिटाइजेशन अप्रूवल है वो डिनाई कर दिया गया। सो मेरा जो है वो अप्रूव्ड हो गया था, क्योंकि मैंने अपने चैनल को बिल्कुल क्लीन रखा था, दैट्स वाई। सो या ये हो गया था। उसके बाद ना मुझे लगा कि $100 थ्रेशोल्ड है आपको पेमेंट मिलने का। सो अगर आपका $100 थ्रेशोल्ड हो जाता है गूगल एडसेंस में, उसके बाद आपको पेमेंट रिसीव होगी। तो मुझे लगा $100 होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट्स वाई मैंने ना ध्यान ही नहीं दिया और मेरा मोनिटाइजेशन डिजेबल हो गया, क्योंकि मैंने अपना एड्रेस पुट नहीं किया था, कुछ डिटेल्स होते हैं जो मैंने पुट नहीं किया था, अपना अकाउंट नंबर भी नहीं दिया था, दैट्स वाई। तो मुझे एक मेल रिसीव हुआ कि योर मोनिटाइजेशन हैज बीन डिजेबल्ड, तो मुझे बहुत डर लग गया था उस टाइम। बट वहां पर यह भी लिखा था कि आप अपने एड्रेस जो है, अपना बैंक अकाउंट जो है वो पुट कीजिए, उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका जो मोनिटाइजेशन है वो फिर से इनेबल हो जाएगा। तो मैंने अपना जो एड्रेस है, अपना बैंक अकाउंट है, मेरा जो पूरा डिटेल्स है सब मैंने पुट किया अपने एडसेंस अकाउंट पर जाकर, एंड फिर
मेरा जो मोनिटाइजेशन है 2-3 दिनों में मेरा फिर से इनेबल हो गया था वेरिफिकेशन के बाद. तो गूगल ना, गूगल और यूट्यूब अच्छे से वेरीफाई करते हैं कि जिसका यूट्यूब चैनल है आप वही सेम पर्सन है जो इसे यू नो एक्सेस करते हैं कि नहीं. फिर क्या हुआ, मैंने जब एड्रेस पुट किया ना, तो मेरे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक 6-डिजिट पिन रिसीव होगा मेरे ही एड्रेस पे. तो वो पिन आने में 1 महीना लग जाता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा छोटे शहर में रहती हूँ और वहां पर आने में थोड़ा सा टाइम लगता. अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती जैसे कोलकाता या फिर मुंबई तो शायद जल्दी आ जाता, बट 1 मंथ इज द मैक्सिमम टाइम. अगर आपको 1 मंथ के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं, जब वहां पर दिखाता है कि एंटर योर 6-डिजिट पिन, उस टाइम से लेकर अगर 1 महीने तक आपको रिसीव नहीं होता है पिन, तो आप री अप्लाई कर सकते हैं. तो इसी तरीके से आप 3 टाइम्स री अप्लाई कर सकते हैं. अगर 3 महीने में भी आपको नहीं मिला तो फिर मुझे नहीं पता क्या करना है, वो प्रोसेस मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरा जो है 1 महीने के बाद मुझे रिसीव हुआ था. तो मुझे लगभग 9 सितंबर को मुझे मेल आया था कि हाँ आपका जो है वो इशू हो गया है, आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे वो आ जाएगा 1 महीने के अंदर. तो अक्टूबर 9th को मेरा 1 महीने पूरा हो जाता. अक्टूबर 9th तक मुझे बिल्कुल भी कुछ भी रिसीव नहीं हुआ था, पोस्टमैन घर पर आए ही नहीं. आई वॉज रियली स्केयर्ड. फिर मुझे लगा कि चलो 10th या 11th को मैं जाऊंगी और पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में मैं जाऊंगी और मैं खुद से चेक करूंगी कि क्या बात है. अगर नहीं रिसीव, उनको अगर कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है तो मैं री अप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरे पास और 2 चांसेस थे. बट जिस दिन मैंने ठीक किया था कि आज मैं जाऊंगी, उसी दिन मुझे मेरे घर पे पोस्टमैन आए और पोस्टमैन ने कहा कि हाँ आपके घर में गूगल से लेटर आया है. ही वॉज ऑल्सो रियली हैप्पी और आई कांट एक्सप्लेन यू ऑल मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई जब मुझे ये लेटर अपने हाथ में मिला. बिकॉज जब आपको कुछ अच्छा सा पेमेंट मिलता है ना, तो जितना खुशी होता है, ये लेटर मुझे मिलकर उतना ही ज्यादा खुशी हुई. बिकॉज इसमें ना आपको पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं रिसीव होता, ये जस्ट एक पिन, आपको 6-डिजिट पिन आपको रिसीव होता है जो आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पर डालना होता है. कई लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुझे इसके साथ कुछ पेमेंट भी रिसीव हुई है, बट नो, आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है. ये जस्ट गूगल का पिन है, ये जस्ट वेरिफिकेशन है. ये पिन आया मतलब आप गूगल पेमेंट के लिए बिल्कुल तैयार है. गूगल आपको हर महीने $100 थ्रेशोल्ड पर आपको पे करेंगे. सो दैट्स ह्यूज फॉर मी और मुझे ये हाथ में लेकर इतना ज्यादा प्राउड फील हुआ, इतना ज्यादा खुशी फील हुई. और फिर मेरा जो है पेमेंट आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि 25th नवंबर को मुझे रिसीव हुआ मेल कि आपका जो पेमेंट है वो इशू हो गया है. और 29th नवंबर 6:20 PM मुझे मेरे बैंक की तरफ से एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतना रुपए ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम गूगल. सो आई वॉज रियली हैप्पी. और मुझे जो मेरा फर्स्ट पेमेंट मिला है वो एक 5-डिजिट नंबर मुझे मिला है स्टार्टिंग में ही. मतलब कुछ ज्यादा भी मुझे नहीं मिला, कुछ कम भी नहीं है, मेरे लिए इट इज अ लॉट. सो 5 डिजिट का मुझे जो अमाउंट है वो मुझे रिसीव हुआ है, मेरा पहला पेमेंट. एंड सेकेंड पेमेंट भी मुझे आने ही वाला है. सो आई एम रियली हैप्पी. ये जो गूगल एडसेंस पिन है, ये मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, वहाँ पर काफी ज्यादा ये छोटा एक टाउन है, तो वहां पर मुझे अगर 1 महीना 2 दिन में रिसीव हो जाता है तो डेफिनेटली आपके शहर में भी रिसीव हो जाएगा. सो अगर आपने अप्लाई किया है देन जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज. अगर नहीं होता, आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर थोड़ा सा पता कर लिए, अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आप 2 टाइम्स फिर से अप्लाई कर सकते हैं. आप री अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा. सो दैट इज इट. मैंने जो मेरा मोनिटाइजेशन से लेकर मेरा जो फर्स्ट पेमेंट, आई मीन इन शॉर्ट मेरा जो YouTube जर्नी है, वो मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा. इसी तरीके का अगर आप इंटरैक्टिव काइंड ऑफ वीडियो देखना चाहते हैं या फिर Q&A देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिए. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. बाय.